भाइयों और बहनों, हरियाणा के गांव अगर आगे ना आते तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन इतना व्यापक न होता, इतना प्रभावी न होता, इतना परिणामकारी न होता। और मेरा हरियाणा का हर व्यक्ति बोलता है, मारी छोरी के छोरों से कम है यह आवाज। हरियाणा के गांव से निकली है ऐसी आवाज। जब आंदोलन बनती है तभी दुनिया कहने को मजबूर होती है कि वाकई हिंदुस्तान की बेटियां धाकड़ है धाकड़। और ये धाक आज दुनिया के मंचों पर दिख रही है, दुनिया अनुभव भी कर रही है। साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की इस भावना को हमें अब एक कदम आगे लेकर जाना है। हरियाणा की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपने कौशल का लोहा मनवा रही है। ये दीपावली बुराई पर अच्छाई के शाश्वत प्रतीक के साथ साथ भाजपा की विजय का भी जश्न हम सभी मनाने वाले हैं। इस बार दो दो दिवाली आई हमारे लिए, एक कमल वाली दिवाली तो दूसरी दिए वाली दिवाली। लेकिन मैं आपको फिर याद दिला दूं कि ये दिवाली हमारी बेटियों के नाम होनी चाहिए। जो बेटियां लक्ष्मी बनकर हमारे परिवार हमारे समाज हमारे देश को गौरव दे रही हैं, उनकी उपलब्धियों का पूजन जरूर होना चाहिए। भाइयों और बहनों, देश की बेटियों की हमारी बहनों का स्वास्थ्य स्वाभिमान सुरक्षा और सशक्तिकरण हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। स्वच्छ भारत अभियान से घर घर और हर स्कूल में शौचालय बनने से बहनों को सुविधा भी मिली है और उनका सम्मान और स्वाभिमान भी बढ़ा है। उज्ज्वला योजना से बहनों को धुएं से होने वाली बीमारियों से मुक्ति भी मिली है और गैस पर खाना पकाने से समय की भी बचत हुई है। हरियाणा में तो मैं खुद गवा रहा हूं कि कैसे केरोसिन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, अब उन लाइनों से भी हमारे हरियाणा के लोगों को मुक्ति मिल चुकी है। मातृत्व काल में सरकार में काम करने वाली कंपनियों में काम करने वाली हमारी माताएं बहनें मातृत्व काल में अब 6,000 रुपये की सीधी आर्थिक सहायता इन सभी गरीब माताओं के खाते में जमा हो रही है, ताकि गर्भावस्था में वो अच्छा खाना खा सके, पोषक आहार ले सके, होने वाली मां का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और होने वाले संतान का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, इसकी चिंता भी ये सरकार कर रही है। समय समय पर स्वास्थ्य की जांच भी हो रही है। इतना ही नहीं, माता बनने के बाद जब मां खुशियों से भरे हुई होती हैं तो हमारी सरकार ने तय किया कि जो सरकार में काम कर रही हमारी माताएं बहनें हैं, शिक्षक हो नर्स हो पुलिस में हो कहीं पर भी हो, मां बनने की खुशियां वो जी भर के अपने बच्चे के साथ बिता सके, इसलिए
हमने नौकरी में 6 महीने तक की तनख्वाह के साथ छुट्टी देने का निर्णय कर लिया, ताकि पहले 6 महीने वो मां संतान के साथ जी भर के जिए और संतान का भी सही विकास का काम शुरू हो जाए। भाइयों और बहनों, बेटियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, स्वरोजगार के लिए भी अभूतपूर्व कदम उठाए जा रहे हैं। इस बजट में एक अहम घोषणा की गई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनें, स्व सहाय जो हमारी माताएं बहनें, गरीब माताएं बहनें जो 11 बहनें, 15 बहनें, 21 बहनें इकट्ठी होती हैं, ऐसी बहनें अपने जनधन बैंक खाते से अपनी बचत के अलावा भी 5,000 रुपये अपनी जरूरत के लिए बैंक से उधार ले सकेगी। अब किसी साहूकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, उसको अपना गहना गिरवी नहीं रखना पड़ेगा और घर में भी वो सम्मान के साथ जी सकेगी। ये हमने किया है। इतना ही नहीं, हर सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक सदस्य मुद्रा योजना के तहत 1,00,000 रुपये का ऋण भी सीधा बैंक से ले पाएगी। भाइयों बहनों, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हमारी सरकार ने उठाया। ऐसे ही अनेक कदम भाजपा सरकार निरंतर उठा रही है, जिससे राष्ट्र निर्माण में बेटियों की भूमिका को और विस्तार मिलेगा।